हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आर्य द साइंस गाय। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है इसके बारे में। ये क्लास 9th का चैप्टर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब कि एटम का स्ट्रक्चर, यहाँ हम लोग पता कर रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। लोग पहले ज़माने में पता नहीं था कि एटम मतलब कि एटम के अंदर क्या होगा, कैसा होगा, तो वो निकालने की उन्होंने कोशिश की। तो वो कैसे निकाला, आज हम वो चीज़ पता करेंगे पूरी सीरीज वाइज, कैसे कैसे किसने कौन कौन साइंटिस्ट ने हेल्प की और क्या उनने खोज की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम आप क्या जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। क्या होता है ये, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर मतलब हर चीज़, मतलब कि ये आपका ये पेन है, इसमें भी आपका एक एटम, कुछ एटम्स होंगे। ये पेज है, इनमें भी एटम्स होंगे, मतलब इसमें कार्बन्स होगा। ठीक है, कार्बन है, क्यों कैसे पता चला, अगर ये जल जाएगा तो ये कार्बन है इसमें। ठीक है, तो ये इनको सब एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं। ठीक है, तो एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर मतलब हम लोग, कोई भी हर चीज़। ठीक है, तो ये आपका एटम की परिभाषा थी। तब स्ट्रक्चर निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले हम एक चीज़, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ याद कर लेते हैं, वो है ईट पर नाच। ठीक है, ईट पर नाच से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये एक निमोनिक है, याद करने का तरीका, जिसको बोलते हैं निमोनिक्स, मैंने बना के रखा हुआ है। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरे चैप्टर में याद रहे मैं कौन ने किस आदमी ने, किस साइंटिस्ट ने क्या चीज़ डिस्कवर की थी। ठीक है, तो ईट पर मतलब ई फॉर यहाँ पर आपका है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसने किया था आपका, ये किया था जे जे थॉमसन ने, टी फॉर थॉमसन। ठीक है, किसने किया था, जे जे थॉमसन, तो टी फॉर थॉमसन। ईट हो गया, पी फॉर प्रोटॉन, ठीक है, आर फॉर रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ये आपका किसने किया था, प्रोटॉन ने किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इसके बाद न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन किसने किया था आपका, सी एच, वो है चैडविक, जो है कि जेम्स चैडविक, जिसको बोलते हैं जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये तीन साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने क्या क्या डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, प्रोटॉन किया और न्यूट्रॉन किया। तो अब अंदर आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या चीज़ है, क्या है, क्या ये, तो इनको हम लोग बोलते हैं चार्जेस। ठीक है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब कि एटम्स के अंदर जो आते हैं। ठीक है, जॉन डाल्टन का नाम सुना होगा आपने, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी कि एटम्स को, एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब से हमें पता चला कि उसमें चार्जेस होते हैं, जब हम कोई बॉडी को, जब मान लीजिए कोई गंगा है या फिर कोई स्केल है, आपने छोटे में किया होगा, जब स्केल लिया होगा और उसको आपने अपने बालों से रगड़ा होगा, ठीक है, रब किया होगा, तो आप फिर पेजेस जब आप कुछ आगे देते हो, पेज वो चिपका लेता है। तो क्यों होता है, वो चार्जेस हो जाते हैं, उसमें चार्जेस बन जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, जिस वजह से वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन से यहाँ पर आपका पता चल जाता है कि एटम्स में चार्ज होते हैं, कौन, सम एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक और आखिरी बात आगे बढ़ने से पहले, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो आपका मास है वो इलेक्ट्रॉन से, किससे, इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स मोर होता है। मींस अगर मैं देखूं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं, तो 1.67 इंटू 10^-27 kg, ये किसका है, प्रोटॉन का मास। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10^-31 kg। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 2000 कर दूं तो ये इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी, किसके बराबर, 1.67 टू 10^-27। देख लीजिए 31 है, इसमें आपका 3 जीरो हटाना है तो आपका 27 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3 जीरो यहाँ पर वो भी है, 1.67 भी, ऐसे 3 और 4 यहाँ पर आ गया तो आपका 27 आ गया। तो 1.67 इंटू 10^-27 kg, ये आपका आ गया किसका, प्रोटोन का मास आ गया। तो ये सब चीज़ें थी कि ईट पर नाच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया थॉमसन ने, प्रोटॉन डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम।
थॉमसन ने मॉडल कैसे बनाया एटम का? तो थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। एटम क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, मतलब उसके अंदर गड़े हुए हैं। किस तरह से? आपके एक ये है पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है, क्या बोल रहा है उसको आप वर्डिंग्स भूल जाइए, सिर्फ विजुलाइज करिए इसको कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज स्फेयर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं इस तरीके से। और इसने इसको विजुलाइज कैसे किया? इसने कहा कि एक वाटरमेलन ले लीजिए, वाटरमेलन के अंदर जैसे गुटलियाँ होती हैं, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाटरमेलन है, इसके अंदर कैसी इसकी गुटलियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये इन लोग इसको बताया इसने इलेक्ट्रॉन्स, और ये बाकी जो है ये है क्या आपका प्रोटॉन्स, जो ये आपका लाल लाल और ये हरा हरा पार्ट दिख रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और ये क्या आपके जो इसके अंदर अंदर है इसके और अंदर भी होगा वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स। इसने इस तरीके से जे जे थॉमसन ने बताया कि आपके इलेक्ट्रॉन्स इस वे में होते हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? आपकी वैल्यू, मतलब कि अगर यहाँ पर 5 आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज आपके क्या हैं प्रोटॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। मतलब सेम नंबर होगा दोनों का, मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बाकी यहाँ पर 7 आपके प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी इक्वल होगी, ठीक है। इसलिए वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं रहता। जब आप रब करते हैं तो नेगेटिव चार्ज के या फिर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाता है, मतलब कि आपका 5 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो वो चार्ज हो जाता है, कोई भी मैटर आपका चार्ज हो जाता है। तो इस वे में इसने थॉमसन ने ये चीज़ प्रपोज की, तो ये इसने अपने माइंड में सोच के किया, इसने कोई इसका प्रूफ नहीं बताया था कि भैया कैसा है, तो सब लोगों ने यही मान लिया चलो ठीक है हाँ ऐसा होता होगा दिखने में एटम के अंदर ऐसा हो, क्योंकि हम किसी को झांक नहीं सकते उसके अंदर, तो एटम ऐसा ही दिखता होगा। किस तरह से? इस तरह से दिखता होगा एटम, ठीक है। फिर आया कौन आपका? रदरफोर्ड। तो यहीं से इसका ड्रॉबैक आता है जे थॉमसन का, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ये भी यही सोच रहा था कि जो आपका एटम है, एटम के अंदर आपके जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हो इस तरह से दिखते होंगे। तो उसने इसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, ये उसने गोल्ड फॉइल ली, इस गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल की एक बीम इसने इस गोल्ड फॉइल पे लगाई, ठीक है, मारी किससे, इससे। ये है एक लेड बॉक्स रखा हुआ है, पर लेड बॉक्स सील लगी हुई है ये। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका जो मास होता है वो 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 4 AMU आप लिख सकते हैं उसको, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 4U यूनिट। तो ये इसके बराबर मास होता है इसका, मतलब यहाँ पर आपके 2 प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, मतलब ये एक हीलियम एटम की तरह है जिसमें आपके 2 चार्जेस जा चुके हैं, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल चुके हैं। हीलियम क्या होता है आपका? हीलियम आपका उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हीलियम का आपका? 2 होता है, और मास कितना होता है? 4 होता है। और उसका अगर मैं वो बनाता हूँ रियल में, अगर उसका डायग्राम बनाता हूँ, तो बीच में आपके प्रोटॉन्स होते हैं, उसी में न्यूट्रॉन्स लगे होते हैं, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, बचा के आपके पास प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है। ये आपके इससे He2+ को भी हम अल्फा पार्टिकल्स ही बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, या फिर α2+ भी आप इसे लिख सकते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये, यहाँ पर आपका कौन अल्फा पार्टिकल। तो इसके जो मास है वो 4 times of U है। तो उसने कहा अगर आपका जो प्रोटॉन है अगर इस वे में फैला हुआ है, तो प्रोटॉन से ये टकराएगा, जब आपका ये हैवी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जब टकराएगा तो कोई डिफ्लेक्शन ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारी है, 4U आपका जो ये है ये किससे, प्रोटॉन से भारी है। प्रोटॉन का आपका जो एटॉमिक मास यूनिट होता है एक प्रोटॉन का, वो होता है 1 AMU, मतलब इससे अगर पार करके इसे टकराएगा तो पार करके निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो उसने कैसे बनाया ये, उसने एक बीम बनाई, ये गोल्ड फॉइल बनाई पतली सी मेलिएबल करके, इसने ठोक ठोक के पतली सी, बहुत पतली इसकी विड्थ थी, और उसके बाद इसने इसको रखा सामने अल्फा बीम पार्टिकल, उसने देखा कि ज़्यादातर जो वो हैं रेज हैं बीम्स हैं वो सीधे निकल गई, ठीक है, और बाकी ऐसे आपस में टकरा रही हैं, और कुछ बहुत बहुत एक दो बीम्स हैं जो वापस रिबाउंड हो रही हैं, ठीक है। तो ये उसको रिजल्ट्स मिले, मिलने के बाद उसको कुछ ऐसा दिखाई दिया, तो उसने कहा ये गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल में क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं आपके, अल्फा बीम पार्टिकल्स जो हैं अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से जा रहे हैं,
ठीक है, आठवां पार्टिकल जा रहे हैं तो क्या हुआ कि कुछ ज्यादातर सीधे निकल गए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। अभी डायग्राम वापस देखते हैं, ये देखिए ये आपके कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, सीधे ज्यादातर निकल गए, ठीक है, ज्यादातर उसके सीधे निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि ये बीच में उसने देखा कि यहाँ पे कुछ बीच में क्या है, यहाँ पे कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से वापस रिबाउंड हो रहे हैं। देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो रहे हैं, वापस अपने पास में जा रहे हैं, जिससे जैसे टकरा रहे हैं जा रहे हैं। उसने कहा कि ऐसे बीच में कोई चीज है जो इससे भी भारी है, किससे, अल्फा पार्टिकल से भी भारी है, ठीक है। तो उसने कहा, उसने प्रपोज किया, उसको कुछ रिजल्ट्स मिले। रिजल्ट्स, पहले रिजल्ट्स बताओ तो प्रपोज उसने क्या किया, कंक्लूड क्या क्या किया वो मैं बताऊंगा बाद में। तो उसने एक्सपेरिमेंट जब देखा कि ज्यादातर जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए, ठीक है। दूसरी चीज उसने क्या देखी, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल, ये जैसे वाली रे देखिए, ये कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। तीसरी चीज उसने चीज क्या देखी कि सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल, हर 12,000 पार्टिकल में से एक रिबाउंड हो रहा था, ठीक है। तो ये इसके रिजल्ट थे, किसके, अल्फा बीम पार्टिकल्स के। फिर उसने क्या देखा, उसने देखा, रदरफोर्ड ने कंक्लूड क्या किया, कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द, उसने मान लिया कि अब जो आपका एटम है अभी कैसा, इससे कैसा स्ट्रक्चर था एटम का, कुछ इस तरह से था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। अब बदल जाएगा, अब कैसे बदलेगा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। ध्यान रखिएगा, गोल्ड फॉइल से जा रहा है विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो जो आपके स्पेस है, कहेगा इसके एटम के अंदर, उसने कहा खाली है ज्यादातर, ये एरिया पूरा खाली है, ठीक है। इसने कहा यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स इनसे सीधे निकल जा रहे हैं, ठीक है। उसने कहा कि ये पूरा पार्ट खाली है। सेकेंड बात क्या कही उसने, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, बहुत ही कम थे जो इस पाथ से डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट हुए, ऐसे आए यहाँ से, यहाँ के डिफ्लेक्ट हो रहे थे, हमने देखा था डायग्राम में आपका देखे द्वारा डिफ्लेक्ट हुए। तो उसने कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है वो बहुत ही कम स्पेस में है, मतलब बहुत ही कम एरिया में, बाकी सब में क्या है, पूरा खाली है, एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर, बाकी में क्या है, यहाँ पे बहुत ही कम एरिया पे पॉजिटिवली चार्ज है। अभी तक क्या चल रहा था, पूरे पॉजिटिवली चार्ज इस पूरे में फैला हुआ था, ठीक है। अब उसने क्या बताया, किसने, रदरफोर्ड ने, ये ड्रॉबैक निकाल दिया कि ऐसा नहीं है, एक पॉजिटिवली चार्ज आपका किसमें है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही कम एरिया पे है, ठीक है। उसके बाद बोला उसने, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। स्मॉल फ्रैक्शन मतलब कि आपके 12,000 में से आपके एक पार्टिकल वापस रिबाउंड हो रहा था 180 डिग्री पे, ठीक है, 180 डिग्री पे रिबाउंड हो रहा था। तो क्या हुआ कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। मतलब उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है एक स्मॉल वॉल्यूम पे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरा का पूरा मास यही है इसका, क्योंकि ये मास ऑफ प्रोटोन है। अब हमें पता है मास ऑफ प्रोटोन क्या है, 2,000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो उसने कहा कि जो पूरा का पूरा मास है कोई भी एटम का वो बीच में होता है, कहाँ, न्यूक्लियस में। तो इसने, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस यहां से इसने डिस्कवर किया था, वहीं से प्रोटोन मैंने आपको बताया था। तो ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन किसने कर दिया था, जेजे थॉमसन ने, प्रोटोन किसने किया था, रदरफोर्ड ने, और आपका ये क्या, न्यूट्रॉन किसने किया था, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो ये आपके तीन इसने निकाल दिए कि आपका जो प्रोटोन न्यूक्लियस है वो बीच में है, ठीक है, और बाकी सब एम्प्टी है, और बाकी सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व हो रहे हैं। तो फिर उसने अपनी दी न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, उसने फॉरवर्ड रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, उसने न्यूक्लियर मॉडल अपने दिया। क्या कहा उसने, मैंने तीन चीजें बताई, उसने बताया जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है आपका, कौन, ये आपका जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है ऑफ एन एटम, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। नियरली ऑल द मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, जो सारा सारा मास इस न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं उसका नेग्लिजिबल मास होता है, क्या होता है, नेग्लिजिबल, मतलब उसको मास का कंसिडर किया ही नहीं जाता है। तो टोटल मास आपका किस पे आ गया, प्रोटोन पे, कि इसी से आपका पूरा एक एटम का मास बताया जा सकता है कि ये आपका पूरा मास है या फिर इसका इतना वजन है कोई भी एटम का। सेकेंड चीज इसने क्या बताई, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसने बताया कोई सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन आपके घूमते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में आपके जो है इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। तीसरी बात चीज बताई, जो न्यूक्लियस का साइज है वो किससे छोटा है, एटम से, एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज छोटा है। इसने ये बताया न्यूक्लियस क्या है, प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है आपका, और इससे आपका क्या है, छोटा है, कितना छोटा है, वो है 10 to the power 5 टाइम्स छोटा है, ठीक है। तो इसे तीन चीजें बताई।
फिर आया इसका ड्रॉबैक्स। अब क्या हुआ कि अभी यहाँ से पता है इसके कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे। अब वो ड्रॉबैक्स क्या है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो अगर ये आपका यहाँ पर मैंने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसके चार चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये स्टैटिक रहे मतलब ये हिल नहीं रहे हैं, अगर मूव नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो क्या होता है आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, कूलम फोर्स होता है। वो होता है के टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ, दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। जैसे आपने छोटे में पढ़ा होगा एफ इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक में है तो ऐसा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है? तो एक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, ये आपस में कोलैप्स हो जाएगा, और ये अगर कोलैप्स हो गया तो हमारा जो मैटर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन शुड फॉल मतलब इलेक्ट्रॉन आपके वो जाने चाहिए, अट्रैक्ट हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? उसने इस चीज को बताने के लिए एक थ्योरी बताई। उसने कहा कि ये स्टैटिक नहीं है। कौन स्टैटिक नहीं है? इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, ये घूमते रहते हैं। अभी आपको मैंने पहले बताया था उसमें क्या है, सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, ठीक है? और ये सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, उसकी वजह से क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है आपका, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है, किसकी वजह से आया अट्रैक्टिव फोर्स, इस फोर्स की वजह से, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर की वजह से, कूलम फोर्स जिसको बोलते हैं, कूलम फोर्स, ठीक है? इस फोर्स की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स आया, इसको काउंटर एक्ट किसने किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने, मतलब इसको न्यूट्रल कर दिया, मतलब ये अपने पाथ में घूमता रहेगा। ये किसने, अपनी थ्योरी को सेटिस्फाई करने के लिए रदरफोर्ड ने बताया कि ऐसा होगा, ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ, एक आदमी ने क्वेश्चन कर दिया कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, कोई भी चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, कोई भी चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो एक एनर्जी लूज करता है रेडिएशन की वजह से। क्या करता है, लूजेस एनर्जी ड्यू टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है? रेडिएशन की वजह से आपकी एनर्जी लूज होने लगती है। अब भैया एनर्जी लूज हो रही है तो ये धीरे होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे मूव करेंगे, और जैसे धीरे मूव करेंगे यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होने लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स आपका ज्यादा होने लगेगा, तो ये धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन विल स्लो डाउन, ठीक है, एंड विल नॉट बी एबल टू विदस्टैंड द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है? और अट्रैक्शन के न्यूक्लियस वो विदस्टैंड नहीं मतलब रोक नहीं पाएगा, कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस वजह से वो कोलैप्स हो जाएगा, और कोलैप्स होने की वजह से आपका मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये तो ड्रॉबैक आ गया, लेकिन हम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एटम स्टेबल है, एटम आपके क्या है, स्टेबल है। तो ये भाई थ्योरी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसका भी ये ड्रॉबैक था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। अब इस ड्रॉबैक को किसने हटाया, इस ड्रॉबैक को हटाया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने। बोहर मॉडल ने कहा, उसने दो पोस्टुलेट्स बनाए, उसने दो पोस्टुलेट्स बनाए, पोस्टुलेट्स मतलब कि इसको एज्यूम किया, इसका कोई मतलब प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ उसने एज्यूम कर लिया। उसने कहा कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं, डिस्क्रीट मतलब सेपरेट ऑर्बिट्स, ऐसे ऑर्बिट्स हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स के जो कि आपके क्या करते हैं, इनसाइड एटम के, इनसाइड एटम के अंदर तो घूमते रहते हैं, ठीक है? और घूमते वक्त वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है? दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके अंदर घूम रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो आपके घूम रहे हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है, घूमते वक्त। तो ये समझा, और उसका स्ट्रक्चर उसने कैसे बनाया, ये ऑर्बिट्स हैं, उसने बताया कि ये बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर आपका जो पहला ऑर्बिट है उसका के सेल नाम होता है, के सेल इसका नंबर है वन, उसके बाद है एल, जैसे के एल एम एन, इस फॉर्म में इसने ऑर्बिट बना दी है, ठीक है? के आपका वन है, एल आपका टू है, एम आपका थ्री है, और एन आपका फोर है, ऐसी एनर्जी चला के बना दिया इसने। कहा इस एनर्जी में घूमते हैं और रेडिएट नहीं करते एनर्जी, और डिस्क्रिएट होते हैं, ये दो पॉसिबिलिटी उसने बताया किसने, बोहर मॉडल ऑफ एटम ने, ठीक है? इसके बाद आता है आपका न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स में क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स आपके जब किसने डिस्कवर किया, जेम्स क्लर्क, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ईट पर नाच, क्या, ईट पर नाच, यहां से आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन किसने किया, थॉमसन ने, प्रोटॉन किसने किया, रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन किसने किया, जेम्स चैडविक में, इसने 1932 में ये डिस्कवर किया था, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। जो मास है न्यूट्रॉन का वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप मान लीजिए हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वन होता है,
और एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 1 होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से होगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर, और बीच में आपका प्रोटोन है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका देखिए, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मतलब कि मैं हीलियम ले लूँ या फिर लीडियम ले लूँ। ठीक है, लीडियम क्या होता है आपका, 3, एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो इसका अगर मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टाइप से, तो ये आपको बीच में क्या हो गया आपके, मतलब इसका जो मास है, प्रोटॉन कितना है आपके यहाँ पे, 3 है। इसका मास जो होता है 6 होता है, किसका, लीडियम का मास होता है 6। तो मतलब क्या हुआ, इसमें 3 आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है बीच में, और 3 यहीं पर न्यूट्रॉन है, और बाकी क्या है आपके, आपके इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, मास नेग्लिजिबल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इसका, 1 एटॉमिक मास यूनिट का। यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, 3 आपके न्यूट्रॉन है, तो कितना हो गया आपका इसका, 6 हो गया। तो 6 AMU यहाँ से आपके निकल आते हैं कि इसका मास कितना होगा। तो मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके आगे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा वैलेंसी, वैलेंसी मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल तो यहीं पर, क्योंकि मैं आपको इससे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बताया था कि लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे निकाला। तो हमने आज आज क्या पढ़ लिया, सबसे पहले जे जे थॉम्सन आया, जे जे थॉम्सन ने बताया कि आपका जो इस तरह से दिखेगा इलेक्ट्रॉन, सबके इस तरह से एम्बेडेड होंगे किसके, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के बीच में। उसने फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने जब देखा तो उसको एकदम से लगा कि ऐसा तो है ही नहीं। क्या हुआ, उसने बनाया कि बीच में आपका कोई न्यूक्लियस है, सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पर है, क्योंकि भारी कोई यहाँ पर सामान रखा हुआ है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उसका जो ड्रॉबैक था, उसने क्या किया, ड्रॉबैक में बताया कि आपको यहाँ पर एक्सलेट जब करेगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएशन की वजह से रेडिएट करेगा, तो उससे वैसे आपकी एनर्जी लूज होगी, और लूज होने की वजह से यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये कोलैप्स हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल बन जाएगा। फिर इसका ये ड्रॉबैक था इसका। बोहर ने क्या किया, इन दोनों चीज को हटा दिया। उसने कहा कि ये ऑर्बिट्स में आपके घूमते हैं, ठीक है, तो इसने कहा ऑर्बिट्स और रेडिएट भी नहीं करते, क्या नहीं करते, एनर्जी रेडिएट नहीं करते। यहाँ से उसका दूसरा वो खत्म हो गया, उसने एक नया स्ट्रक्चर दे दिया कि ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जिनका नाम KLM, ये एनर्जी शेल्स होते हैं। एनर्जी कौन से, ये वाले पार्ट, ये आपके एनर्जी शेल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी सेल्स। ठीक है, तो यहां से हो गए तीनों, यहाँ पे वैसे एक स्ट्रक्चर है एटम का, यहां से ये बना माना गया कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है एटम का। इसके बाद वैलेंसी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको हम जल्दी से हम फटाक से खत्म करेंगे। चलिए, थैंक यू।